Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 20 और ये हमारी पार्ट 6th वीडियो है. प्रीवियसली हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स हमने कहा था इसमें प्रेजेंट होती हैं. इसमें से हमने स्कल के बारे में डिस्कस किया था आपकी पार्ट 5th वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि स्कल में आपकी जो 22 बोन्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं. तो आज हम पढ़ेंगे आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे मिलकर बनी है, 26 वर्टिब्रे से, विच आर अरेंज्ड डॉर्सली. तो डॉर्सल पोर्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, जो आपका बैक साइड पोर्शन है दिस इज डॉर्सल. वेंट्रल पोर्शन, जो आपका फ्रंटल पोर्शन है दिस इज वेंट्रल पोर्शन. तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है ना. और इसमें कितने वर्टिब्रे हैं, 26 वर्टिब्रे हैं जो सीरियली अरेंज्ड हैं. अब आपके इन वर्टिब्रेस को फर्दर डिवाइड किया गया है आपके सर्विकल वर्टिब्रे, थोरासिक वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे, सैक्रम एंड कॉक्सल. तो आप देखो आपकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये किससे अटैच्ड है, आपके क्रैनियम पोर्शन से, आपके स्कल से. और हमने प्रीवियसली पढ़ा था आपके स्कल में ये एक पोर्शन होता है ओवल होलो पोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम. और इस पोर्शन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है. तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंट्री करती है, इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरल कैनाल, क्योंकि उस कैनाल के थ्रू ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रही है. वो ब्रेन से निकली और किसके अंदर एंट्री किया, वर्टिब्रल कॉलम के. तो आपकी जो वर्टिब्रे है उसमें फर्स्ट आपकी 7 वर्टिब्रे कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रे. और वो सर्वाइकल वर्टिब्रे की जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रे उनका नाम क्या है, एटलस एंड एक्सिस. तो जो आपकी एटलस वर्टिब्रे हैं वो किससे अटैच्ड हैं, आपके इन दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से. तो आप यहाँ देखो आपकी सर्विकल वर्टिब्रे जो है फर्स्ट आपकी एटलस है. सर्विकल वर्टिब्रे की फर्स्ट वर्टिब्रे इज एटलस, जो किससे अटैच्ड है, आपके ऑसिपिटल कॉन्डाइल से. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्रैनियम पोर्शन है और वर्टिब्रे हैं वो दोनों अटैच्ड है. और आपकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड. तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, जो ब्रेन से आ रहा है. तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो एक तरह का न्यूरॉन है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन हमारी बॉडी का. और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, और वो भी कौन से, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. तो अब आप देखो यहाँ पे भी बताया है फर्स्ट वर्टिब्रे जो है आपकी एटलस है, जो किससे आर्टिकुलेटेड है, मींस किससे जॉइन है, आपके ऑसिपिटल कॉन्डाइल से. तभी हम क्या कहते हैं, मेमेलियन स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक, क्योंकि दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं आपके फोरामेन मैग्नम के साइड में, है ना. अब वर्टिब्रल कॉलम को इन सभी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब हमारे पास कितनी सर्विकल वर्टिब्रे हैं, 7 सर्विकल वर्टिब्रे. तो इसे इस तरह से काउंट करते हैं, C1, C2, C3, ऐसे करके सभी मैमल्स में, आपके ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में कितनी सर्विकल वर्टिब्रे हैं, 7. अब हम एक्सेप्शंस देखते हैं. आपके ये दो जो वर्टिब्रे हैं जो आप देख रहे हो, ये है आपका मेनाटे और ये है आपका स्लॉथ. ये दोनों अकेले आपके ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास जो सर्विकल वर्टिब्रे है वो 7 नहीं है. आप देखो मेनाटे, जिन्हें हम सी काउ कहते हैं, ये आपके प्योरली एक्वेटिक एनिमल हैं और हर्बीवोर इन नेचर है. इनके पास कितनी सर्विकल वर्टिब्रे है, 6. नॉर्मली कितनी होती है, 7. और ये है आपके स्लॉथ, जो आपके वर्ल्ड के सबसे स्लोएस्ट एनिमल्स है ना, स्लॉथ बियर. तो यहाँ बताया है कि जो स्लॉथ की दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, 2-toed स्लॉथ और आपके 3-toed स्लॉथ. तो 2-toed स्लॉथ में कितनी सर्विकल वर्टिब्रे है, 5-7, और 3-toed स्लॉथ में 8-9 या 10 भी देखी गई है. तो ये दोनों आपके एक्सेप्शंस हैं
ऐसे मैमल्स जिनमें 7 सर्विकल वर्टिब्रे नहीं है, या उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो नेक्स्ट आते हैं आपके थोरैसिक वर्टिब्रे में। तो थोरैसिक वर्टिब्रे के बारे में हम आपके रिब केज के केस में भी पढ़ेंगे जब हम आपके रिब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोरैसिक वर्टिब्रे कितनी है? 12। तो इसे कैसे काउंट करते हैं? T1, T2, T3, इस तरह से 12 हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रे है। फिर हमारे पास 5 लंबार वर्टिब्रे है, L1 to L5। उसके बाद आती है सैक्रम एंड कॉक्सल। तो आप देखो सैक्रम जो है ये फ्यूज्ड बोन है और ये 5 वर्टिब्रे से फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनी है। और आप देखो ये है कॉक्सल बोन जो 4 बोन्स को फ्यूज कर बनी है। तो कॉक्सल बोन एक आपके टेल बोन की तरह है क्योंकि और मैमल्स जो हैं उनमें टेल प्रेजेंट है, तो ह्यूमन में तो टेल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो ये कॉक्सल बोन्स हैं ये फ्यूज्ड हो गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी हो गई? आपकी 5 डिफरेंट तरह की वर्टिब्रे हैं जो आपका वर्टिबल कॉलम बनाती हैं। तो आप देखो 26 कैसे हुई, 7 + 5 आपके 12 और + 12 आपके 24, 24 वर्टिब्रे ये हो गए, 25 and 26। तो इस तरह से आपकी वर्टिबल कॉलम बनी है। तो वर्टिबल कॉलम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से निकल रही है वो इसके अंदर है। सपोर्ट करती है आपके हेड को एंड इट सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्क्यूलेचर। तो आपकी जो थोरैसिक वर्टिब्रे है यहाँ से आपकी मसल्स अटैच्ड है, आपके पूरे वर्टिब्रे से मसल्स अटैच्ड है, रिब्स अटैच्ड है, तो ये एक तरह का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टर्नम, जो कि आपकी फ्लैट बोन है जो कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये एडिशनल है, आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना। आप देखो आपकी सभी वर्टिब्रे जो 5 टाइप की हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और सभी वर्टिब्रे के बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूरल कैनाल जिसे हम कहते हैं, या वर्टिबल फोरामन, क्योंकि ये जो होल है आपके वर्टिब्रे के बीच में जिसे हम फोरामन कह रहे हैं, वर्टिबल या न्यूरल कैनाल, इसी से तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। और आप देखो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस क्यों बने आपके वर्टिबल कॉलम पे? ताकि इनसे आपकी मसल्स अटैच हो सके, ताकि इनसे आपकी रिब्स जो है वो अटैच हो सके। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके डिफरेंट वर्टिब्रे के जो वर्टिबल कॉलम बनाते हैं। अब देखते हैं आपकी रिब्स एंड रिब केज के बारे में। तो आपका जो एक्सियल स्केलेटन में ही ये पोर्शन आता है, आप देखो सेंटर में जो बोन आपको दिख रही है फ्लैट बोन, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम, या आपकी फ्लैट बोन या चेस्ट बोन। फर्दर आप देखो आपके पास कितने रिब्स प्रेजेंट हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं। और अब इन रिब्स को भी डिवाइड किया गया है आपके ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड आपकी फ्लोटिंग रिब्स। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब आपकी जो रिब्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं? फर्स्ट रिब से लेकर 7 जो रिब्स हैं आपकी, मींस 7 पेयर ऑफ जो रिब्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स, क्योंकि वो वेंट्रली किससे कनेक्टेड है? आपके स्टर्नम से कनेक्टेड है। और डॉर्सली किससे कनेक्टेड है? आपके वर्टिबल कॉलम से कनेक्टेड है। आगे तो आपकी चेस्ट बोन है, उससे कनेक्टेड हो गए आप देखो यहाँ पे, और पीछे क्या है? वर्टिबल कॉलम है, तो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे से जाके पीछे अटैच हो गए, मींस डॉर्सली। तो आपकी फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। फिर आती है आपकी 8, 9, 10th पेयर ऑफ रिब्स जो आपकी वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट डॉर्सली वो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड है। तो ऐसी रिब्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो कौन सी रिब्स हैं? 8, 9, 10 आर नोन एज फॉल्स रिब्स और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, जो वेंट्रली तो कनेक्टेड है आपकी 7th रिब से, ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, और डॉर्सली किससे कनेक्टेड है? आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे से। लास्ट पेयर ऑफ रिब्स जिसे आप देख सकते हो, 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये सिर्फ
डॉर्सली आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड है और वैसे किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये मतलब हवा में है ना, तो फ्लोटिंग रिब्स, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपके रिब्स का हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। आपकी फर्स्ट 7 पेयर इज ट्रू रिब्स, 8 to 10 इज आपकी फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स, आपकी 11th and 12th इज फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, आपके हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से, आपकी स्टर्नम से और थोरैसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड है आपकी रिब्स। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, आपका स्टर्नम प्लस आपके थोरैसिक वर्टिब्रे, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, रिब केज। और इस रिब केज के अंदर आपके दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, लंग्स एंड हार्ट। तो हमने आपके रिब्स के बारे में पढ़ा, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वेंट्रली प्रेजेंट है आपकी स्टर्नम, फ्लैट बोन या चेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट 12 आर ट्रू रिब्स जो कि आर्टिकुलेटेड है वेंट्रली आपके स्टर्नम के साथ, डॉर्सली आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे से। अब ये जो अटैच हुई है, ये कौन से कार्टिलेज की हेल्प से, हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। 8th, 9th, 10th रिब्स को क्या कह रहे हैं हम, फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स 11th and 12th वो वेंट्रली किसी से कनेक्टेड नहीं है, एंड देयर फोर इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिब केज। और रिब केज के अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, लंग्स एंड हार्ट। तो हमने लास्ट टाइम देखा एक्सियल स्केलेटन में आपका जो क्रैनियम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज ब्रेन। और रिब केज यहाँ पे आपके लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लस आपकी वर्टिब्रल कॉलम पूरी वो किसे प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसके साथ हमारा एक्सियल स्केलेटन में कंप्लीट होता है स्कल का स्ट्रक्चर प्लस वर्टिब्रल कॉलम एंड आपका रिब केज। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।